नमस्कार, न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क के इस खास कार्यक्रम उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मनरेगा से जुड़े कर्मचारियों को उत्तराखंड सरकार का बड़ा तोहफा, ऐसे मिलेगा स्वरोजगार में फायदा। सीएम ने पर्यटकों के लिए शुरू किया आनंद वन सिटी फॉरेस्ट, बताएंगे कैसे होगा पर्यटकों का मनोरंजन। इस दिन से खुल जाएंगे उत्तराखंड के सभी कॉलेज, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने की ये घोषणा। उत्तराखंड में आज होने जा रहा एक दिन का विधानसभा सत्र, की गई है ये सब तैयारियां। आगे बताएंगे प्रदेश की इस नगर निगम के अनोखे प्लान के बारे में, युवा हो जाएंगे गदगद। देश के प्रधानमंत्री इस दिन करेंगे अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का लोकार्पण, प्रदेश के ये स्थान रहेंगे परियोजना में शामिल। उत्तराखंड सरकार ने मनरेगा के आजीविका पैकेज का मॉडल लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। सीएम द्वारा जारी इस आदेश के बाद प्रदेश में मनरेगा में अब जॉब कार्ड धारक मजदूरी के अलावा स्वरोजगार के तहत अपना काम शुरू कर सकेंगे, जिसमें सभी विभाग उनकी मदद करेंगे। आजीविका पैकेज लागू करने वाला देश का पहला राज्य अब उत्तराखंड बन चुका है। अपर मुख्य सचिव मनीषा पवार ने यह आदेश जारी किए हैं। उनकी माने तो आजीविका पैकेज के तहत मनरेगा और विभागीय योजनाओं को जोड़ते हुए कई पैकेज बनाए गए हैं। योजना की खास बात यह है कि यह प्रवासियों को देखते हुए शुरू की गई है। मनरेगा में इस समय पिछले साल की तुलना में 2.5 लाख लोग अधिक जुड़े हैं, इसमें अधिकतर प्रवासी हैं। योजना के तहत प्रदेश के 30,000 परिवारों को पहले चरण में शामिल किया जाना है। परिवारों का आर्थिक पैकेज इस तरह का होगा कि वो 6 माह तक आसानी से परिवार का भरण पोषण कर सकें। इस योजना में भूमिहीन सहित 1 नाली से लेकर 10 नाली और इससे अधिक जमीन की उपलब्धता का पैकेज है। हर पैकेज में एक या एक से अधिक काम शुरू करने का सहायता का प्रावधान है। योजना के अंतर्गत हर लाभार्थी को 10 फलदार पेड़ों की पौध जरूर दी जाएगी। इसको पोषण वाटिका का नाम भी दिया गया है। बता दें कि मनरेगा में पहले से ही स्वरोजगार के लिए मदद की जाती रही। अगली खबर, सीएम द्वारा पर्यटकों के लिए खोले गए आनंद वन सिटी फॉरेस्ट की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और वन मंत्री हरक सिंह रावत ने गढ़वाल के झाझरा वन रेंज परिसर में उत्तराखंड के सिटी फॉरेस्ट आनंद वन को पर्यटकों के लिए शुरू कर दिया है, जिससे आम जनता के लिए नवरात्रि से खोल दिया जाएगा। बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटकों को लुभाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। यही कारण है कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई नए स्थल तलाशे और सवारे जा रहे हैं। झाझरा परिसर की बात करें तो इस सिटी फॉरेस्ट में उत्तराखंड के विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतुओं व प्राकृतिक दृश्यों को प्रतिकृतियों के माध्यम से दिखाया गया है। इसे नेचर एजुकेशन सेंटर के रूप में भी सरकार द्वारा विकसित किया गया है। नवरात्रि से पर्यटन यहां के दृश्यों का लुत्फ उठा सकेंगे। दोस्तों, न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक जरूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। खबर उत्तराखंड में कॉलेजों को खोले जाने की। कोविड-19 के चलते प्रदेश में पिछले 6 महीने से सभी स्कूल व कॉलेज बंद हैं। वहीं अब सरकार इन्हें खोलने की तैयारी में है। इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी की जा चुकी है, जिसके बाद सभी राज्यों में 1 नवम्बर से कॉलेजों को खोलने के आदेश जारी किए गए हैं। इस बात की जानकारी खुद उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने दी है। शिक्षा मंत्री के मुताबिक 2020 व 21 वर्ष के शैक्षणिक सत्र के लिए ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर और पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए यह गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइन के अनुसार नवंबर से प्रथम वर्ष के छात्रों की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। इसके लिए UGC ने भी सभी विश्वविद्यालयों को एडमिशन की प्रक्रिया 21 अक्टूबर तक पूरा करने के आदेश जारी किए हैं। अक्टूबर तक सभी छात्रों के प्रवेश हो जाने के बाद प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षाएं 8 मार्च 2021 से 26 मार्च 2021 के बीच आयोजित की जाएंगी। केंद्र मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए इस जानकारी को साझा किया है। अपनी पोस्ट में उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए आयोग ने कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की गाइडलाइन को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद कमेटी की सिफारिशों के अनुसार UG और PG के प्रथम वर्ष के एडमिशन के साथ ही नए सत्र की शुरुआत और परीक्षाओं की तिथियां भी तय कर दी गई हैं। खबर प्रदेश में आज होने वाले विधानसभा सत्र की। उत्तराखंड में आज विधानसभा सत्र होगा, इसके लिए देहरादून जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है। विधानसभा सत्र को लेकर जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने विधानसभा के 300 मीटर की परिधि के भीतर धारा 144 लगा दी है। DM के मुताबिक विधानसभा सत्र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। सत्र के दौरान किसी भी प्रकार की नारेबाजी एवं लाउड स्पीकर का प्रयोग
सरकारी भवनों में नारे लिखना, भड़काऊ भाषण, भ्रामक प्रचार प्रसार पूर्ण प्रतिबंधित है। 300 मीटर के क्षेत्र में किसी सार्वजनिक स्थान पर या चौराहे पर 5 या उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकते। इस परिधि में किसी भी प्रकार की बसों, ट्रैक्टर, ट्रॉलियां अथवा चौपहिया एवं दोपहिया वाहनों के जुलूस की शक्ल में एकत्रित होने पर भी प्रतिबंधित है। साथ ही जुलूस अथवा सार्वजनिक सभा का आयोजन बिना पूर्व अनुमति के नहीं किया जाएगा। डीएम ने कहा कि ये आदेश आज यानी विधानसभा सत्र की समाप्ति तक प्रभावी रहेंगे। इसके अलावा आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर युवाओं के रोजगार की। उत्तराखंड के देहरादून जनपद में नगर निगम ने युवाओं को रोजगार देने का अनोखा प्लान तैयार किया है। नगर निगम ने अगले 3 वर्ष में 10,000 रोजगार देने का दावा किया है। देहरादून नगर निगम के महापौर सुनील उनियाल गामा की ओर से यह ऐलान किया गया है। उनकी माने तो कोरोना काल में काफी रोजगार छिन गए हैं और प्रवासी भी अपने घर लौटे हैं। ऐसे में निगम अपनी कुछ नई योजनाओं को धरातल पर उतारने जा रहा है, जिसमें स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शहर में स्मार्ट वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे और निगम 10 स्थानों पर अपने वेंडिंग पॉइंट भी बनाने जा रहा है। इसके साथ साथ नगर निगम अपनी खाली ज़मीनों पर पर्यटन के लिहाज से एडवेंचर पार्क, होम स्टे और होटल जैसी परियोजनाओं का PPP मोड में निर्माण कराएगा। इनसे स्थानीय युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। कोरोना काल के बीच नई योजनाओं को लेकर नगर निगम में पहली बैठक हो चुकी है। इस आईडीए में खुद महापौर और 12 पार्षद सदस्य की टीम कार्य करेगी। अब खबर नमामि गंगे से संबंधित। गोमुख से गंगा सागर तक गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने की योजना जल्द धरातल पर नजर आएगी। इस दिशा में एक और कदम बढ़ाया जा रहा है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नमामि गंगे के तहत डीम प्रोजेक्ट के लोकार्पण की तारीख निर्धारित हो गई है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार ने उत्तराखंड में नमामि गंगे परियोजना के तहत ऋषिकेश, हरिद्वार, गंगोत्री और बद्रीनाथ में बने 9 STP के वर्चुअल लोकार्पण की तिथि तय कर दी है। इन सभी STP का लोकार्पण खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 सितंबर को करने जा रहे हैं। इसके लिए सभी नोडल अधिकारियों की भी नियुक्ति कर दी गई है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।